लग जाए। इसके लिए पार्टी ने भगवान के अलावा ज्योतिष शास्त्र और अंक गणित पर अपनी अब उम्मीदें टिका दी हैं। टोटके और नंबरों के इस खेल का आलम यह रहा है कि कौन से नेता कितने नेता कहां प्रचार करने के लिए जाएंगे, यह भी तय किया गया ग्रहों की चाल के जरिए। जरा देखिए कैसे फंस रही हैं पार्टियां भी ग्रहों के चाल में। हिंदुत्व का दम भरने वाली बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि अंकों की माया और ग्रहों की चाल से वो अपना चरित्र और चेहरा दोनों बदल सकती हैं। गौर फरमाइए, नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को गुजरात में प्रचार के लिए झोंक दिया, लेकिन गुजरात गए नेताओं को शायद इसका जरा भी इल्म नहीं होगा कि उनके भेजे जाने के पीछे खेल है टोटके का। पहले दौर के मतदान के लिए पार्टी ने 27 नवंबर को 27 नेताओं को गुजरात भेजा। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार की शुरुआत हुई 2 दिसंबर को और नेता भी भेजे गए सिर्फ 2, यानी मोदी की मदद को गए सिर्फ राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी। यही आलम रहा हिमाचल प्रदेश में भी। यहां जीत की उम्मीद लगाए बीजेपी ने नंबरों के खेल पर ही यकीन जताया। स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा 5 दिसंबर को और नेता भेजे सिर्फ 5। चुनाव प्रचार के संचालन में लगे मुख्तार अब्बास नकवी का भी मानना है कि फायदा हुआ। हमारी सारी सभाएं अच्छी हुई, कैंपेन में भी हम बहुत ही आगे रहे और साथ ही साथ कांग्रेस डिफेंसिव रही पूरे चुनाव में, कांग्रेस चाहे गुजरात हो और चाहे हिमाचल। नेता ही नहीं ज्योतिषी भी मानते हैं कि अंकों का यह खेल बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम 5 लोगों को एक साथ इकट्ठा भेजेंगे तो जो उसका पर 5 लोगों का जो प्रभाव है वो उतना पड़ेगा जो 100 से ज्यादा लोगों का होगा, क्योंकि हमें जो तिथि है उसका हमें सपोर्ट मिल रहा है, न्यूमरोलॉजी हमें सपोर्ट करी है। इसी तरीके इतना ही नहीं, पार्टी मुख्यालय पर चल रही है तोड़फोड़ भी जीत की कोशिशों का ही हिस्सा है। 10 साल के बाद मुख्यालय के अंदर जाने का रास्ता बदला जा रहा है, साथ ही अंदर के हिस्से में भी फेरबदल जारी है। जाहिर है चक्कर वास्तुशास्त्र का ही है और नजर लोकसभा चुनाव पर। जब पार्टी के भीतर का गणित गड़बड़ाया हुआ हो तो जाहिर है अंकों के गणित का सहारा लेना आला कमान के लिए लाजमी है, और जब पार्टी के सितारे गर्दिश में हो तो जाहिर है आला कमान के लिए टोटकों के सहारे के सिवा और कोई चारा नहीं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता अमिताभ ने बिल्कुल सही कहा, जब पार्टी का खुद ही आंकड़ा गड़बड़ाया हुआ है तो क्या किया जा सकता है। कौन समझाए पार्टियों को कि दरअसल सत्ता की सीढ़ी जनमानस के समर्थन से है, ग्रहों की चाल से नहीं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत ही संवेदनशील खबर। हवाई सुरक्षा का रिकॉर्ड कितना खराब है दिल्ली।